जुले, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है ना? तो इसमें अब एक सर्कल को मैं ऐसा करके आपके लिए बनाता हूं, ठीक है ना? आपको पता है सर्कल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है, ऐसा एक रेडियस होता है और ऐसा एक रेडियस हम जोड़ देंगे, ठीक है ना? तो इस सर्कल में ये सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है ना? तो ये सर्कल को जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर दो एरिया आ रहे हैं, इस एरिया को मैं क्या बोल दूंगा, क्या, सेक्टर, और इसको भी क्या बोल दूंगा, सेक्टर, ठीक है ना? ये सेक्टर छोटा है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, माइनर सेक्टर, इसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, माइनर सेक्टर। अब ये दूसरा एरिया बड़ा है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मेजर सेक्टर, ठीक है ना? माइनर मींस किसको कहते हैं, छोटे वाले को माइनर कहते हैं, बड़े को मेजर कहते हैं, ठीक है ना? तो ये सर्कल किस में डिवाइड हो गया, सेक्टर में डिवाइड हो गया, ठीक है ना? अब ये जो सेक्टर है इसको किसने डिवाइड किया है, इसको सेंटर ने डिवाइड किया है और इसको रेडियस ने डिवाइड किया है और इसको एक सर्कमफ्रेंस का पोर्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे आर्क, इसको क्या कहेंगे, आर्क। मतलब ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस था, इसका एक छोटा सा पोर्शन को मैं क्या कह दूंगा, आर्क। और उसी तरह इस साइड से भी इस सर्कमफ्रेंस का पोर्शन को मैं क्या बोल दूंगा, आर्क, क्या बोल दूंगा, आर्क। अब ये एक तो छोटा है तो इसको मैं बोल दूंगा माइनर आर्क, ओके, और ये बड़ा है तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, मेजर आर्क, ठीक है ना? अब जैसे कि ये सर्कल का सेंटर होंगे और ये पॉइंट होंगे ए, ये पॉइंट होंगे बी, ओके, तो इस ये आर्क क्या है बोलेंगे तो ए बी ना बोल के इस पे भी एक पॉइंट देके मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा सी, इसको मैं क्या दे दूंगा, सी। तो माइनर आर्क क्या है, ए सी बी, ये है माइनर आर्क। मतलब ये वाला आर्क को हम क्या बोल दिया, ए सी बी। उसी तरह यहां पर भी एक पॉइंट में नाम दे दूंगा डी, तो मेजर आर्क कौन से होंगे, ए डी और बी, ए डी और बी, ओके बच्चों। सेक्टर समझ में आया आपको, सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर को डिवाइड कौन कर रहा है, रेडियस और सेंटर और एक आर्क डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर ये सेक्टर छोटा होंगे तो इसको मैं बोल दूंगा माइनर सेक्टर, अगर ये सेक्टर बड़ा है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, मेजर सेक्टर। ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया क्या, मेजर सेक्टर, और ये वाला एरिया हो गया क्या, माइनर सेक्टर, ठीक है ना? तो ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में हमने जान लिया है क्या होते हैं ये, ठीक है बच्चों? तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने देखा सेक्टर ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, ठीक है ना? अब देखेंगे क्या सेगमेंट ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अभी सेक्टर ऑफ सर्कल तो आपने जान लिया क्या होते हैं, अब ये सेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना? अब एक सर्कल ऐसा करके, ओके बच्चों, ये है, अगर मैं इस सर्कल को एक कॉर्ड से डिवाइड कर दूंगा, एक किससे डिवाइड कर दूंगा, कॉर्ड से डिवाइड कर दूंगा, तो ये सर्कल का भी दो एरिया को फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर सर्कल को रेडियस, सेंटर और आर्क से डिवाइड हो रहा होंगे तो उसको हम क्या कह रहे थे, सेक्टर कह रहे थे। अगर सर्कल को एक कॉर्ड से डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट, क्या कहेंगे, सेगमेंट, ओके। ये कौन है, कॉर्ड, ठीक है ना? अब ये सर्कल का जो एरिया है, ये छोटा वाला एरिया है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, सेगमेंट, क्या बोल दूंगा, सेगमेंट, इसको क्या बोल देंगे बच्चों, सेगमेंट। उसी तरह ये बड़ा वाला एरिया है, ऐसा करके ये बड़ा वाला एरिया है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको भी सेगमेंट, ठीक है ना? मतलब एक सर्कल को एक कॉर्ड ने दो सेगमेंट में ब्रेक कर दिया है, ओके। छोटा एरिया है तो इसको मैं बोल दूंगा क्या बच्चों, माइनर, माइनर मींस छोटा, ओके, माइनर सेगमेंट, ओके। अब ये बड़ा एरिया है, इसको मैं बोल दूंगा क्या, मेजर, मेजर सेगमेंट,
ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया सेगमेंट किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने देख लिया सेक्टर ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब जब भी आप सेगमेंट या सेक्टर लिखेंगे बुक में क्वेश्चन करते वक्त, तो उस टाइम आप कौन से सेगमेंट को कहेंगे, कौन से सेक्टर को कहेंगे, आप हर समय किसको बता रहे होंगे उस टाइम, माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर, ठीक है ना। जब भी आप कभी भी क्वेश्चन जैसे कि आप लिख रहे होंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उस टाइम हर समय उसका मतलब ही क्या है, माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर। सेक्टर लिख रहे होंगे तो माइनर सेक्टर, और सेगमेंट लिख रहे होंगे तो क्या, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप स्पेसिफिकली लिखेंगे कि ये है मेजर सेक्टर, ये है मेजर सेगमेंट, तब उस टाइम ये बता रहे होंगे कि ये मेजर सेगमेंट है, नहीं तो जब भी आप नोट, ये एक नोट करने का पॉइंट है, ठीक है ना। व्हेन, तो एक नोट करने का एक पॉइंट क्या है, जब भी सेक्टर और सेगमेंट में, व्हेन वी राइट सेगमेंट या सेक्टर वी विल मीन माइनर सेगमेंट, वी विल मीन माइनर सेगमेंट एंड द माइनर सेक्टर unless stated otherwise, ठीक है ना। क्वेश्चन में जब भी आप सेक्टर या सेगमेंट लिख रहे होंगे तो उसका उस टाइम हम क्या कह रहे होंगे कि हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आपको पूछे होंगे फाइंड द सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होने के लिए उसका मतलब क्या है, आप किसको फाइंड करना है, माइनर वाला पोर्शन को फाइंड करना है। अगर सेक्टर बोला है तो माइनर सेक्टर को फाइंड करना है, और सेगमेंट बोला है तो माइनर सेगमेंट को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने देख लिया सेक्टर, सेगमेंट और आर्क किसको कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हमारा चैप्टर क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। अब ये अगर ये पोर्शन, अगर मैंने इसको क्या कहा है आपको कि ये क्या है, सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, इसका एरिया कैसा निकालेंगे, ठीक है ना। अब सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये पोर्शन, ये वाला सेक्टर की बात करूंगा, ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर, ठीक है ना। अगर ये सेक्टर का एरिया कितना होंगे ये मुझे पता करना होगा। सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल, इस सेक्टर का एंगल कितना है, ये थीटा है, ठीक है ना। ये एंगल कितना है, थीटा, तो इसका एरिया कितना होगा इस सेक्टर का, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, एंगल थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होंगे, इस सेक्टर का एरिया जिसका एंगल थीटा है उसका एरिया कितना होंगे, इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब कैसे आया ये इसका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर का कितना हिस्सा है, थीटा एंगल का, टोटल एंगल कितना है 360, टोटल एंगल कितना है 360, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप परसेंटेज निकालते हो अगर किसी चीज का, जैसे कि यहां पर ऐसा करके एक ऐसा करके कुछ भी ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे 50% निकालना होगा, तो ये होता है ना। तो इसका 50% हम कैसे निकालते हैं, 50% डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट कितना होता है 100, टोटल परसेंट कितना होता है 100 ऑफ ये वाला चीज। उसी तरह ये भी है, इसमें भी एंगल कितना है, इस पोर्शन का एंगल कितना है थीटा, टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितने होता है 360, टोटल एंगल कितने होता है 360 ऑफ क्या, ऑफ पूरा सर्कल का एरिया, ऑफ पूरा सर्कल का एरिया। तो इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है ना। अब जब सेक्टर मींस एरिया ऑफ सेक्टर मींस एक सर्कल का एरिया का कितना एंगल का, टोटल एंगल इनटू एरिया ऑफ होल। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूंगा ये तो हो गया अभी माइनर सेक्टर का एंगल, माइनर सेक्टर का एंगल ये हो गया, ठीक है ना। अगर मैं मेजर सेक्टर, अब ये वाला सेक्टर जो ये बड़ा वाला सेक्टर है इसका एरिया कितना होंगे, अब मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। अब इसमें तो हमें स्पेसिफाई करना भी जरूरी नहीं लग रहा था, क्योंकि सेक्टर या सेगमेंट जब भी बोलेंगे तो उस टाइम हर समय क्या मतलब है, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का कितना एरिया होंगे आप खुद बताइए। ये सेक्टर का टोटल एंगल कितना है, ये वाला पोर्शन है। इस सेक्टर का एंगल कितना है, ये वाला है। ये एंगल कितना है बच्चों, ये अगर थीटा है तो टोटल है 360, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएंगे, 360 माइनस थीटा। तो इस मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएंगे, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना है, 360। टोटल एंगल कितना है, 360, और टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा एरिया ऑफ सेक्टर कैसे का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता चल गया है, ठीक है ना। अब मैंने कहा था आपको ये सेक्टर को कौन डिवाइड कर रहे हैं, रेडियस, सेंटर और एक आर्क डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आर्क का लेंथ कितना होंगे, और अगर मैं बोलूंगा यहां से कि ये आर्क का कितना लेंथ होंगे, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा का क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंगल थीटा का क्या फॉर्मूला होंगे। अब फिर से वही, ठीक है ना, कितना ये आर्क का कितना लेंथ होंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे कि मैं आर्क बोल दूंगा कौन सा, ए पी बी ऑफ आर्क, क्या ए पी बी, तो ये आर्क का कितना लेंथ होंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए भी वही, कितना एंगल है डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इनटू एरिया था तो पाई आर स्क्वायर, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते तो पाई आर स्क्वायर लेते थे, ठीक है ना। अब आर्क के लिए हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 2πr, क्या कहेंगे, 2πr, क्यों, क्योंकि ये जो एपीबी आर्क है ये क्या है, एक सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है ना, ये किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2πr, ओके। अगर मैं बोल दूंगा लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कौन सा, AQB, ए क्यू बी ऑफ एंगल, एंगल कितना है बच्चों, ये वाला एंगल कितना हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएंगे, 360 माइनस थीटा। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, ऑफ एंगल 360 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएंगे, ऑफ एंगल 360 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएंगे, कितना एंगल है, 360 माइनस थीटा है, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इनटू 2πr, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से इनका फॉर्मूला हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे आर्क का लेंथ निकालना होंगे तो ये एंगल कितना है, थीटा, टोटल एंगल इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसी तरह अगर ये मेजर आर्क के बारे में बात करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क AQB, तो इसका लेंथ कितना होंगे, ये हो जाएंगे, कितना एंगल है, ये एंगल कितना, ये थीटा माना तो ये 360 माइनस थीटा हो जाएंगे, तो 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इनटू व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ओके। दोनों के दोनों फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको एक लेंथ ऑफ आर्क मीन्स 2πr, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर, ओके। तो अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देखा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्या आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, सेगमेंट की ओर, ठीक है ना। मैंने कहा था आपको एक सर्कल है, अगर एक सर्कल को कॉर्ड डिवाइड कर रहे हैं, क्या एक कॉर्ड डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सर्कल का दो टुकड़ा हो जाएंगे ऐसा करके, इसको मैं बोल रहा था क्या, क्या बोल रहे थे बच्चों इसको, माइनर व्हाट, माइनर सेगमेंट, इसको मैं क्या बोल रहे थे, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। अब ये बड़ा वाले पोर्शन को मैं क्या बोल रहा था, मेजर, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसका एरिया कितना होंगे आप बताइए, इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह एरिया ऑफ सेक्टर के लिए
डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ आर्क के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था, इस माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इस माइनर सेगमेंट का फिर कैसे इसको इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, इस सेक्टर को हमें देखना पड़ेंगे, ये वाला सेक्टर को मुझे ऐसा करके इस तरह से देखना होगी। ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेक्टर है, तो इसका एरिया किससे बना हुआ है बच्चों, अगर हम इसको देखेंगे ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है एक ट्रायंगल और एक सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर किससे बना हुआ है, ट्रायंगल और एक सेगमेंट से बना हुआ है, और एक सेगमेंट से बना हुआ है। हमें ये सेगमेंट फाइंड करना है, हमें ये सेगमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल को सेक्टर में से एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये सेगमेंट मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो मुझे माइनर सेगमेंट पता चलने के लिए तो ये हो गया, ये वाला पोर्शन पता चलने के लिए तो मैं इस तरह से कर दूंगा। अब मुझे मेजर सेगमेंट, जो मतलब ये वाला पोर्शन, अगर मैं देखूंगा ऐसा करके ये वाला पोर्शन का एरिया फिर मैं कैसे निकालूंगा, इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे माइनर सेगमेंट, अब इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक सर्कल में से, एक सर्कल में से माइनर सेगमेंट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन आपके लिए बच जाएंगे, ये वाला पोर्शन बच जाएंगे, जो क्या है, क्या है, मेजर सेगमेंट, ये क्या है, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो क्या है, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ एपीबी, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, ये किसके बराबर होंगे, अभी मैंने बताया आपको, ये सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ये सेक्टर क्या होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए ओ पी बी, ए ओ पी बी माइनस, माइनस व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है ना। अगर मैं इस सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट बच्चों, ए पी बी सेगमेंट, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएंगे, इसका एरिया हो जाएंगे क्या, इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएंगे, इस पोर्शन का एरिया पूरे सेक्टर में से, पूरे सेक्टर में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यही चीज मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मतलब ए ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए ओ बी, ये किसके बराबर होंगे, अब ये वाला बड़ा वाला पोर्शन का एरिया क्या होंगे, आप बताइए मुझे, एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस, माइनस व्हाट, दिस माइनर सेगमेंट, दिस माइनर सेगमेंट इज माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट व्हाट, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है ये, ए पी बी, ये कौन सा है, ए पी बी, ठीक है ना बच्चों। तो हमने यहां से देख लिया मेजर माइनर सेगमेंट को कैसे निकालते हैं, माइनर सेगमेंट मीन्स ये माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएंगे। ओके, अगर मैं ये मेजर सेगमेंट, ये सर्कल का मेजर सेगमेंट की बात करूंगा, मतलब ये वाला पोर्शन की बात करूंगा, सर्कल में से ये वाला माइनर सेगमेंट को हटा के ये वाला कौन सा हो जाएंगे, मेजर सेगमेंट, तो इसका एरिया क्या हो जाएंगे, पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा तो मुझे मेजर मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सभी का फॉर्मूलास, और जिसका डायरेक्ट फॉर्मूलास नहीं है वो कैसे उसका एरिया निकालते हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.2, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। एंगल, उसका, इस सेक्टर का रेडियस कितना दिया हुआ है,
ये सेक्टर का हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और थीटा कितना है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री, मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आपको कहा था मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होते हैं बच्चों बताइए, थीटा बाय 360 इनटू एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई कितना होते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7 इनटू आर कितना दिया हुआ है 6 इनटू 6, आर का स्क्वायर में 6 इनटू 6, तो इसको कटिंग करते हैं 6 1 6 6 6 36 6 1 6 6 1 6, तो यहां से कितना आ गया 22 इनटू 6 डिवाइडेड बाय 7, तो 22 6 का कितना आता है 6 2 12 6 2 12 13 132 बाय 7। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया मींस व्हाट, इट इज सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपके आंसर, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक तो आपने देखा ही होगा घड़ी, ठीक है ना। ओके, तो उसमें एक मिनट हैंड होते हैं, और क्या क्या हैंड होते हैं उसके पास, 3 हैंड होते हैं, कौन कौन से, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस मिनट हैंड का लेंथ कितना है, इस मिनट, अगर ये मिनट हैंड है, इसका लेंथ कितना है, कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब इस पोर्शन में हम क्या मान लेंगे, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब ये 5 मिनट्स मीन्स ऐसा करके घड़ी होंगे तो 5 मिनट इतना तक, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा करके, तो 5 मिनट में कितना एरिया ये स्वैप करेंगे, तो मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना एरिया ये स्वैप कर रहे हैं, ये वाला एरिया कितना है, ये हमें पूछा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब मुझे बताइए ये क्या बन रहे हैं, एक सेक्टर बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, ऐसा करके ये एक सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना। मिनट हैंड ने क्या किया, 5 मिनट में ऐसा करके इतना एरिया स्वैप कर दिया है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना होंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होंगे, अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, ठीक है ना। अब टोटल एंगल कितना है, आप बताइए मेरे को, ऐसा करके ये टोटल एंगल कितना होते हैं 360, कितना है 360, ठीक है ना। अब मैं मतलब ये एंगल कितना होंगे ये मुझे बताना होंगे, ठीक है ना। ऐसा करके टोटल एंगल कितना होता है 360, बट ये टोटल मिनट कितना होते हैं, ऐसा करके 60 मिनट्स, ठीक है ना। तो मैं यहां से कन्वर्जन के हेल्प से मैं निकाल सकता हूं कि ये एंगल कितना है, ठीक है ना। मैं कहूंगा क्या, 3 एक साइड में डिग्री लिख देता हूं और एक साइड में क्या लिख देता हूं, मिनट, एक साइड में क्या लिख देता हूं, मिनट। तो 360 बराबर और कितना मिनट होंगे, 60 मिनट्स, तो ये पूरा घूम के तो 60 मिनट होता ना, और ये पूरा एंगल कितना होता है 360, ठीक है ना बच्चों। तो 360 बराबर 60 मिनट्स, तो हमारे पास कितना मिनट अभी कितना है, फाइंड द एरिया स्वैप बाय मिनट एंड 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में कितना एंगल होंगे, ये x, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो x इंटू 60 इज इक्वल टू 360 इंटू 5, तो कितना आ जाएंगे ये, इस 60 को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो 360 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60 करूंगा, 6 1 6 6 6 36, मतलब 6 5 30, तो ये कितना डिग्री हो जाएंगे, ये वाला कितना डिग्री हो जाएंगे 30 डिग्री, मतलब हमें पता चल गया क्या, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया स्वैप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो एरिया स्वैप्ड इज इक्वल टू क्या होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या है, एक सेक्टर ही है, एरिया ऑफ, एरिया स्वैप्ड इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, एरिया स्वैप मींस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो ये है थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इनटू पाई कितना है 22 डिवाइडेड बाय 7 इनटू रेडियस कितना है 14 इनटू 14, ठीक है ना। अब इसको कटिंग कर दिए, 0 0 कट, 3 1 3 3 2 12 36, 2 6 12, 2 11 22, 2 6 12, 2 3 6, and 2 3 6 and 2 7 14, or 7 7 cut,
तो यहाँ पर क्या बच गए बच्चों, 11 × 14 / 3। 11 × 14 करने से कितना आते हैं 154, नीचे क्या बचे हैं 3 सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ओके जुने।